आज सुबह सुबह बहुत बुरी खबर सामने आई जब पता चला कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने लता मंगेशकर संग तस्वीर शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सलमान खान ने लिखा कि हमारी स्वर कोकिला को याद किया जाएगा, लेकिन आपकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। रेस्ट इन पीस लता जी। जी हाँ, आपको बता दें कि 8 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 92 साल की लता ताई तभी से आईसीयू में थी। लता जी के निधन की खबर से फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया के माध्यम से शोक व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि लता मंगेशकर कुल 5 भाई बहन थे और जिसमें लता जी सबसे बड़ी थी। जी हाँ, जब लता 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। इस वजह से लता के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और इसी कारण उन्होंने कभी अपनी शादी के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं। लेकिन अब उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि सलमान खान ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुरा लग रहा है उन्हें, मतलब रो रहे हैं बहुत और हर कोई रो रहा है लता मंगेशकर के निधन पर, क्योंकि एक बेहद ही दिग्गज सिंगर जिनकी आवाज़ शायद अब हमारे कानों में नहीं गूंजेगी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका जाना कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिस वजह से लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। सलमान खान का भी ट्वीट सामने आया है, उन्होंने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। जी हाँ, हम भी उनके आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।